नाम? मेरा नाम हितेश शंकर भाई मुंडा, दूर समाज सुरक्षा प्रमुख। कहाँ पे घटना बनी थी और क्या बनी थी? कल शाम 4 बजे के आसपास हमारे समाज के जो ग्रुप चलते सूरत में, हमको माहिती एक्सेप्ट हुआ कि कोई लेबर करंट लगने से उसकी डेथ हुई है। तो हमने सिविल में आके विजिट किया, तो यहाँ पे परिवार से हमारी मुलाकात हुई थी। जब परिवार से हमने पूछताछ की तो बोले कि ये जगह पे हम लोग साइड पे काम कर रहे थे, वहाँ पे करंट लगने से डेथ हुई। तो कैसे करंट लगा, हम लोग यहाँ से पूरा हमारा समाज की टीम के साथ विजिट पे गए थे। वहाँ पे जाके देखा तो ग्राउंड फुटिंग का कुछ काम चल रहा था, ग्रीन पार्क करके सोसाइटी है उसमें। तो कॉन्ट्रैक्टर जैसे कि करंट लगा हो तो उनके पूरे पूरे बेदरकारी वहाँ पे सामने आई है। जैसे कि उन लोगों को काम पे तो लगा दिया, लेकिन उनको हाथ मोजा बेल्ट वो सब देना था, जो चीज़ देना था वो चीज़ दी नहीं हुई थी। बराबर, मतलब कि आज उनको शायद बेल्ट दिया होते, मोजे दिए होते, पाँव में पहनने के लिए जूता दिए होते तो जो करंट लगने की संभावना थी वो नहीं थी। लेकिन उन लोगों को बेदरकारी है, पूरी पूरी सेफ्टी नहीं दी थी, और सेफ्टी के आधार नहीं दिया था, उसके आधार उनको करंट लगाया और करंट आधार उनका डेथ हुई है। कितने मजदूर थे? 4 मजदूर को करंट लगा था, उसमें 2 लेडीज थी, एक भाई था विनोद करके वो बच गए, और एक जो महेश भाई संजीव भाई पटेल करके वो उनकी डेथ हुई है। उनकी शादी हो गई थी? हाँ, उनके परिवार में उनकी वाइफ है, उनका 4 साल का एक बच्चा है। क्या मांगे हैं आप? मांग की हमारी यही है कि सूरत में वन और ऐसे घटना घटती है। अभी 15-20 दिन हुई है सूरत में, एक वापस दूसरी चौथी घटना हो गई है महीने में। और कॉन्ट्रैक्टर जो काम कर रहे हैं उनके पूरी पूरी बेदर कर रहे, जो पुलिस स्टेशन का हद लगता है अपना लगता है कि वो बेस्टान पुलिस स्टेशन है। तो हमारे वो एक समाज की एक ही मांगी है कि बेस्टान पुलिस स्टेशन उसमें पूरी पूरी कार्यवाही करें, और जो भी बेदरकारी के अधीन जो भी कॉन्ट्रैक्टर उनके ऊपर गुनाह दाखिल करें।